प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर न्यू अपडेट। प्रिय भक्तजनों, आपका मेरे चैनल ज्ञान गुण सागर में एक बार फिर से स्वागत है और आज हम सुनेंगे गंगा दशहरा की व्रत कथा और विधि। विधि: गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान, दान, तर्पण के 10 पापों का नाश होता है, इसलिए इसे दशहरा कहती हैं। इस दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है। गंगा स्नान से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। गंगा दशहरा के दिन सुबह लोग उठकर गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं और गंगा जी में दूध एवं बताशे चढ़ाते हैं। जल, रोली, मोली, चावल तथा नारियल, दक्षिणा, दिया चढ़ाकर धूप एवं दिया जलाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन आपके घर में जितने भी पुरुष और बेटे हों, उतने जनों का सवा सेर आटे का चूरमा और पूड़ी बनाकर हनुमान जी की पूजा कर सारा चूरमा पूड़ी ब्राह्मणों तथा अन्य लोगों में बांट देते हैं और उनमें से रात को बासी ना रखें तथा घर का कोई भी आदमी उनमें से चूरमा पूड़ी ना खाए। सवा सेर आटे का चूरमा अलग से खाने के लिए बना लें। हनुमान जी का भोग लगाकर उसमें से सब कोई खा ले, इसमें से चूरमा बासी रख सकते हैं। कथा: प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी केशनी तथा सुमिति नामक दो रानियां थीं। केशनी के अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमिति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहाँ पर बंधा हुआ पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई। इसी कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में राजा के सारे पुत्र जलकर भस्म हो गए। अंशुमन पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उनके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गेकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव के अनुग्रह करना चाहिए। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी
कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकालने का पथ ना मिल सका। भगीरथ ने पुन और नए विनय करने पर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करते हुए मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जनों का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वह गंगा जी को पी गए। भगीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुन जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जनोपुत्री या जानवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करते हुए जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तरकर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप और सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया एवं घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथ होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी भी अंतर्ध्यान हो गए। जो भी इस कहानी को कहता या सुनता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है।